ग्वालियर में खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन के खिलाफ जिले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई कर मुरम के अवैध उत्खनन में लगे एक जेसीबी, 4 डंपर, 5 ट्रैक्टर व एक लोडर सहित 10 वाहन जब्त किए हैं। साथ ही खनिज अधिनियम के तहत पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराए गए हैं। बता दें कि यहाँ खनन माफिया अवैध रूप से मुरम और पत्थर निकाल रहे थे। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार आज राजस्व टीम, पुलिस और खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन करते हुए कार्रवाई की गई, जिसमें एक LNT, 4 डंपर, 1 लोडर और 5 ट्रैक्टर मराजपुरा में जब्त किए गए। इस तरह की कार्रवाई निरंतर रहेगी। इन प्रकरणों पर अवैध उत्खनन के संबंधित खनिज विभाग नियमानुसार कार्रवाई करके अर्थदंड प्रस्तावित किया जाएगा।